ये किसी जंगल का पहाड़ी इलाके का नहीं, हमारी राजधानी दिल्ली का वीडियो है, जहां यमुना नदी में थोड़ा पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। 8 साल पहले दिल्ली वालों अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना कि सब दिल्ली वालों को यमुना नदी में डुबकी लगवाऊंगा। अब सबको तो यमुना नदी नहीं ले जा सकते, इसलिए यमुना मैया को ही सब दिल्ली वासियों के घर घर तक ले आया। अब लगाओ डुबकी जितनी लगानी हो। दिल्ली में यमुना नदी कुछ सालों से मरी पड़ी थी। नदियों के जिस स्वरूप की कल्पना हम आंख बंद करके करते हैं, वैसा दिल्ली की यमुना में कुछ भी नहीं था। दिल्ली की यमुना में कोई लहर नहीं दिखती। दिल्ली में यमुना का हाल किसी से छिपा नहीं है। देखते सब है मगर बोलता कोई नहीं है। बहुत जहमत की तो नाक पर हाथ लगाकर निकल जाते हैं। पूरे साल दुर्गंध खाती यमुना की किसी को याद नहीं आती है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 45 साल पहले निर्धारित 207.49 मीटर के सर्वकालिक रिकॉर्ड को पार कर गया है। अब जल स्तर 208 मीटर के पार पहुंच चुका है। इस स्थिति के लिए बाढ़ के मैदानों के अतिक्रमण, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा और गाद का जमा होना, जिससे नदी का तल ऊंचा होना जिम्मेदार है। दिल्ली में नदी के पास के निचले इलाके, जहां लगभग 40,000 लोग रहते हैं, बाढ़ के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि नदी के पास के घरों और बाजारों में पानी घुस गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शहर के बाढ़ क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी, जिसे 4 या अधिक लोगों के गैर कानूनी जमावड़े और समूहों में सार्वजनिक आंदोलन को रोका जा सके। यमुना किनारे वाटर प्लांट कुछ दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पानी आसमान से तो आएगा पर नल में नहीं। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली में बड़ी बाढ़ 1924, 1977, 1978, 1995, 2010 और 2013 में आई थी, लेकिन हमने देखा था कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में पिछले वर्षों की तुलना में कम समय लगा। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण और गाद हो सकता है। पहले पानी को बहने के लिए अधिक जगह मिलती थी। डीडीए, रिवेन्यू विभाग और निजी व्यक्तियों की जमीन होने के बावजूद नदी के बाढ़ क्षेत्र पर पिछले कुछ वर्षों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। बाढ़ के मैदानों को अतिक्रमण का प्रभाव बढ़ सकता है। यमुना के जल स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि का एक प्रमुख कारण गाद इकट्ठी होने के कारण नदी के तल का ऊंचा होना है। यमुना के 57 किलोमीटर लंबे हिस्से में 126 नाले गिरते हैं, 25 से ज्यादा पुल है। प्रकृति हमेशा सिग्नल देती है, यमुना नदी ने भी दिए थे। 2013 में यह 207.32 मीटर के स्तर पर पहुंच गया। 2019 में जल स्तर 206.6 मीटर तक बढ़ गया था। पिछले साल सितंबर में यमुना ने 2 बार खतरे के निशान को पार किया था और जल स्तर 206.38 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय राजनीति के कुछ नहीं, और आज भी वही हो रही है राजनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए आक्षेप करने का आग्रह किया कि यमुना का स्तर और ना बढ़े। यदि संभव हो तो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी सीमित गति से छोड़ा जाए। आपने भी ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं, क्योंकि हथनीकुंड बांध नहीं बैराज है। दिल्ली में भी ओखला बैराज पूरा खुला है। बाढ़ में बैराज बंद करने के लिए लेटर, इस समय हथनीकुंड बैराज बंद करना मतलब हजारों लोगों की मृत्यु और बर्बादी। ये पत्र लिखना एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। 2015 में पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया 5 सालों में यमुना को साफ कर देंगे। केजरीवाल को भी सुनिए और उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी। मनीष सिसोदिया ने तो विधानसभा के अंदर कहा था 5 साल में यमुना को ऐसा बना देंगे कि लोग वहां पिकनिक मनाने जाएंगे। 5 साल नहीं, 8 साल बीतने को है। फिलहाल जवाब के नाम पर हाथ में सिर्फ वादे हैं, जो हर 5 साल में दोहराए जाते हैं। दिल्ली पर कभी भी कोई संकट आता है, सबसे पहले हमारे सीएम केजरीवाल जी दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं
ऑक्सीजन संकट आया, मोदी जी ऑक्सीजन दो। बिजली संकट, मोदी जी कोयला दो। कोविड फैल रहा था, मोदी जी बेड की व्यवस्था करा दो। यमुना का जल स्तर बढ़े, मोदी जी हरियाणा को बोलकर पानी कम करवा दो। मैं बस विज्ञापन और बड़े बड़े होर्डिंग लगवाऊंगा, बाकी काम केंद्र सरकार करे। और तो और सीएम केजरीवाल के एक्सक्यूजेस भी तो देखो, 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। अब तो जो भी पानी आ रहा है उसमें हमारा हाथ नहीं, वो हरियाणा से आ रहा है। मोदी जी हरियाणा वालों को रोको, थोड़ा बहुत पानी पंजाब से भी आ रहा है, लेकिन वहां तो हमारी सरकार है इसलिए उसका नाम लेंगे नहीं। तो दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी बाढ़ के स्तर को पार कर चुकी है। राजनीतिक अपनी जगह है, हम जनता की आवाज के सभी दर्शकों, स्वयं सेवकों, पार्षदों, विधायकों और अन्य सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाए और लोगों की मदद करे और हर संभव सहायता देने की कोशिश करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।